लखनऊ में पिटबुल के हमले में 80 साल की महिला की मौत के मामले में कई राज सामने आए हैं। भारत समाचार के अनूप ने महिला के बेटे अमित त्रिपाठी से खास बातचीत की। अमित ने बताया कि उनका पिटबुल डॉग एग्रेसिव नहीं था, वो उनकी माँ सुशीला त्रिपाठी के साथ हमेशा खेलता था, उनकी माँ ही उसे खाना भी खिलाती थी। अनूप ने जब अमित त्रिपाठी से पूछा कि उन्हें क्या लगता है कि पिटबुल ने क्यों उनकी माँ पर हमला किया होगा, इस पर तो अमित ने कहा कि मैं तो केवल कहने के लिए उसका मालिक था, असली मालकिन तो मेरी माँ ही थी। सुबह से लेकर शाम तक वो उसे नहलाती धुलाती और खाना खिलाती थी। आलम ये था कि माँ एक हाथ से अपना खाना खाती थी और दूसरे से उसका खाना उसे खिलाती थी। अब आप समझ लीजिए कि माँ का उसके साथ कैसा रिश्ता था। लेकिन मंगलवार की सुबह उसने क्यों माँ पर हमला कर दिया, ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा। वो तो घर में बिल्कुल शांत रहता था, वो बस दरवाजे की घंटी बजने पर बहुत चिढ़ता था, अक्सर गुस्सा भी हो जाता था। हो सकता है कि किसी ने उस दिन घंटी बजाई हो और माँ देर से दरवाजा खोल पाई हो। शायद ज्यादा देर तक घंटी बजने से वो ज्यादा ही नाराज हो गया और फिर उसने गुस्से में उन पर अटैक कर दिया। मृतक के बेटे अमित ने आगे कहा कि मेरे पास कुत्ते का लाइसेंस और वैक्सीनेशन है, कभी कोई कमी नहीं की, खाने के लिए फूड का पूरा इंतजाम किया, मेरा कुत्ता कभी काटता नहीं था, लेकिन अचानक ये घटना कैसे हो गई कुछ नहीं पता। मैं घटना होने के बाद घर पहुंचा, मैंने खुद नगर निगम को कुत्ता दे दिया, अब मैं उस कुत्ते को देखना भी नहीं चाहता। मैंने अपनी माँ को खोया है, इससे बड़ा दुख मेरे लिए कुछ और नहीं है। आपको बता दें कि 2 जुलाई को पिटबुल कुत्ते के अपनी मालकिन को नोच नोच कर मार डालने के बाद आस पड़ोस के लोग काफी डर गए थे। इस घटना के बाद अमित त्रिपाठी के पड़ोसियों ने मीडिया के जरिए लखनऊ नगर निगम से पिटबुल को जब्त करने की मांग की थी। इसके बाद लखनऊ नगर निगम ने 14 जुलाई को पिटबुल को जब्त कर लिया था। अब उसे नगर निगम के एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में रखा गया है। निगम ने 4 लोगों का एक पैनल भी बनाया है जो पिटबुल पर रिसर्च करके इस बात का पता लगाएगा कि उसने अपनी मालकिन पर हमला क्यों किया। कैसर बाग के बंगाली टोला में एक दिन पहले जो है बड़ी घटना हुई थी, जब पिटबुल डॉग ने अपनी ही मालकिन जो बुजुर्ग महिला है सुशीला त्रिपाठी, उस पर हमला किया था। तो आप देख सकते हैं यही वो पिटबुल डॉग है जिसको नगर निगम की टीम जो है रेस्क्यू टीम के साथ यहां पर लेने पहुंची थी और अब इसको यहां से ले करके जा रही है। खुद उसके जो मालिक हैं वो उसको अपने गोद में ले करके जो है यहां से जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोगों ने भी जो है शिकायत की थी इस पिटबुल को यहाँ पर रखने को लेकर के, जिसके बाद अब ये पिटबुल जो है आज यहाँ से जो है नगर निगम की टीम जो है ले करके रवाना हो गई है और इसको यहाँ से अब रेस्क्यू करके ले जाया गया है। और जिस तरह से पिटबुल ने जो है हिंसक होकर के अपनी मालकिन जो बुजुर्ग सुशीला त्रिपाठी थी उन पर हमला किया था, उनको बुरी तरह से घायल किया था, जिसके बाद उनकी जो है मौके पर मौत हो गई थी। तो आप देख सकते हैं कि पिटबुल को जो है अब उसके मालिक जो है खुद लेकर के जा रहे हैं यहाँ से और नगर निगम की टीमें और जो रेस्क्यू टीमें हैं वो साथ में मौजूद हैं। तो अब पिटबुल को इस इलाके से हटाया गया है और नगर निगम की तरफ से कल जो है नगर आयुक्त ने साफ तौर पे कहा था कि हम एडवाइजरी भी जारी कर रहे हैं कि इस तरह के हिंसक जो जानवर हैं वो जो है घरों में ना लोग पालें। तो लिहाजा अब जो है नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है और इस पिटबुल को यहाँ से जो है रेस्क्यू करके हटा दिया गया है। जो इलाके के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी शिकायत की थी कि इस तरह के हिंसक जानवर यदि रहेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों की जान के लिए खतरा बना रहेगा। तो लिहाजा बड़ी खबर है कि पिटबुल को यहां से हटाया गया। आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी आई थी नगर निगम की तरफ से उसमें पिटबुल को रखा गया है, बाकायदा यहां से इसको यहां से ले जाया जा रहा है। और जिस तरह से इसने अचानक जो है हिंसक हो करके अपनी ही मालकिन पर हमला बोला था, उसके बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। तो अब राहत की बात है कि नगर निगम की टीम जो है पहुँची है और रेस्क्यू कर रही है। मेरे साथ सर मौजूद हैं। क्या कहेंगे, पिटबुल क्या शिकायत मिली थी इसकी? सर हम लोग को सूचना मिली थी कि किसी डॉग ने, पहले तो नहीं बताया गया किस ब्रीड का है, पहले किसी डॉग ने एक महिला को घायल कर दिया है जी। बाद में निरीक्षण के उपरांत पता चला कि ये पिटबुल प्रजाति का है जो केवल अपने मालिक को पहचानता है, बाद में और किसी को नहीं पहचानता, एग्रेसिव हो जाता है जी। इनकी एब्सेंस में एग्रेसिव होगा, किस कारण से हो गया पता नहीं। इनकी माता जी को उसने घायल किया, हॉस्पिटल ले जाने के बाद उनकी डेथ हो गई। लोगों ने भी शिकायत की थी क्या? नहीं, शिकायत तो मुझे हमारे सर के द्वारा पता चला था, उनको इन्फॉर्म किया था किसी ने कंट्रोल रूम से, तो फिर मैं आया था निरीक्षण पे। तो अब इसको कहाँ ले जाएंगे? अब अपने यहाँ इसको जो मेरा शेल्टर होम है उसमें हम रखेंगे इसको, वहाँ पूरी सुविधाएँ मिलेंगी इनको
और बाकायदा रखा जाएगा एज ए ट्रीटमेंट। कोई भी दिक्कत होगी ट्रीटमेंट होगा उसका, और एसी फुली रूम्स हैं, खाना पीना के साथ सारी व्यवस्थाएं होंगी वहाँ पे, उनको कायदे से केयर के साथ रखा जाएगा। नहीं नहीं अब तो मुश्किल है क्योंकि अब एग्रेसिव कभी भी जानवर प्रजाति का है, किसी भी समय एग्रेसिव हो सकता है कि कुछ और भी कर सकता है, इसलिए सुरक्षा के दृष्टि हमें उचित नहीं जान पड़ता कि इनको फिर वापस करना चाहिए। ऐसे हमारे रिकॉर्ड के अनुसार 4 या 5 इस प्रजाति का डॉग्स हैं, 4-5 लाइसेंस है, लाइसेंस है, वैलिड है। बिल्कुल, आप देखिए कि अब पिटबुल को लेकर के गाड़ी यहाँ से रवाना हो गई है और सीधे तौर पे जो विभागीय जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि अब मालिक को इससे मिलने की अनुमति नहीं होगी। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ जो है सर, इसको कहाँ लेके गए, अब कैसे रखेंगे? मैं पशु कल्याण अधिकारी नगर निगम लखनऊ डॉक्टर अभिनय वर्मा। जो हमने पिटबुल पकड़ा हुआ है इसको हम अपने जरहारा इंदिरा नगर स्थित ABC सेंटर, एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर ले जाएंगे, जहां पर शेल्टर हाउस बने हुए हैं वहां पर इसको रखा जाएगा और स्टरलाइज किया जाएगा। इसके 10 से 15 दिन इसका बिहेवियर को वॉच किया जाएगा कि कोई इसमें एबनॉर्मल बिहेवियर तो ऐसा नहीं है, तो उसको हम लोग वॉच थोड़ा सा वेटिंग पीरियड वॉच पीरियड में रखेंगे। इसके मालिक हैं अमित, उनसे मिलने की इसको मतलब अनुमति रहेगी आप लोग? मालिक चाहेंगे तो दे सकते हैं, मिल सकते हैं आके, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, नगर निगम को कोई आपत्ति नहीं है, ला नहीं सकते। हाँ अभी फिलहाल हम इसको उनको देंगे नहीं फिलहाल अभी। हिंसक मतलब माना जाता है ये प्रजाति, काफी जो है टफ मानी जाती है पिटबुल, अभी तक सबसे हिंसक प्रजाति मानी जाती है, लेकिन ये बिहेवियर कभी भी एग्रेशन कभी भी आ सकता है। किस बात पे एग्रेसिव हो जाते हैं डॉग्स उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी आपने देखा कि अमित किस तरह से उसको पोलाइटली और जेंटली लेके आए हैं और सबके सामने दिखा के उसको वहाँ पर गाड़ी में दिया आके, तो यहाँ पर बिहेवियर डॉग का बिल्कुल नॉर्मल था। साधारण आदमी को भी जब पकड़ के ले जाते हैं तब भी थोड़ा सा वो विरोध करता है, लेकिन यहाँ पर डॉग ने बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर प्रदर्शित किया। अब परसों किस बात पे वो एग्रेसिव हुआ था वो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लखनऊ में कितने इस तरह के जानवर हैं? लखनऊ में लगभग 700 से 800 के आसपास जो हमारे पास जिनका रिकॉर्ड है, लगभग 700 से 800 के आसपास इस तरह के पशु हैं। पिटबुल कितने? पिटबुल के अभी तक हमारे यहाँ लगभग 25 लाइसेंस निर्गत किए गए हैं। क्या आपको लग रहा है कि बगैर लाइसेंस के भी लोग रख रहे हैं पाल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियस सी बात है, कई लोग अभी भी बिना लाइसेंस के डॉग को पाल रहे हैं। कोई कार्रवाई होगी? कोई लगातार नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जो भी लोग लाइसेंस नहीं बनाते हैं उनके ऊपर 5-6 रुपए जुर्माना और आकस्मिक इंस्पेक्शन किया जाता है और उनके कुत्ते को जब्त की भी कार्रवाई की जा सकती है। जो भी हुआ तो बिल्कुल ये टीम है जो पिटबुल को अमित भाई क्या कहेंगे? तो बिल्कुल अब पिटबुल को जो यहाँ से जो है ले जाया गया है और यहाँ से सीधे जो है जो संस्था बनाई गई है वहाँ पर उसको रखा जाएगा, उसके बिहेवियर को देखा जाएगा, ये देखा जाएगा कि आखिर किन कारणों से जो है वो हिंसक हुआ और सीधे मालकिन पर हमला किया है। और सीधे तौर पे एडवाइजरी भी जारी की गई है और नगर निगम के जो अधिकारी हैं जो यहाँ पहुँचे हैं वो लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि इस तरह की प्रजाति के जो भी जानवर लोग पाल रहे हैं, चाहे पिटबुल है या अन्य जो डॉग हैं, उसको लेकर वो एहतियात बरतें। लोगों से अपील की गई है कि उसके बिहेवियर को समझें, यदि डॉग के अंदर कोई ऐसा नेचर दिखाई देता है तो तत्काल उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो बगैर लाइसेंस के जो है इस तरह के डॉग पाल रहे हैं उनके खिलाफ भी जो है अब अभियान चलाने की बात हो रही है, एक एक घर को चेक किया जाएगा और सीधे तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरा पर्सन अर्षद सातानु, भारत समाचार, लखनऊ।